कसरावद मुस्लिम समाज के पवित्र माह ए रमजान का चांद बुधवार को नहीं दिखाई दिया। इसके चलते अनुमान है कि चांद गुरुवार को दिखेगा और शुक्रवार से रमजान माह की शुरुआत होगी। रमजान के मद्देनजर मुस्लिम इलाकों में चहल पहल शुरू हो गई है। शहर सदर रहीस कुरैशी ने बताया कि रमजान इस्लामिक कैलेंडर का पाक महीना होता है। इसमें पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं। चांद दिखाई देने के अगले दिन से रोजेदार रोजा रखते हैं। इस बार रमजान का पहला रोजा कब रखा जाएगा यह चांद दिखाई देने के बाद ही तय होगा। बुधवार को चांद दिखाई नहीं दिया है, इसलिए पूरी संभावना है कि गुरुवार को चांद दिखाई देगा और शुक्रवार से रोजे शुरू होंगे। बुधवार शहरी और इफ्तार के लिए सामान की खरीदारी भी शुरू हो गई है। मस्जिदों में भी तरावीह की नमाज आज से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं पूरी आवाम मुस्लिम जमात को माह रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल चांद नहीं दिखा, आज चांद दिखेगा, और आज चांद नहीं भी दिखता है तो आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा, पाक महीना शुरू हो जाएगा। आज मस्जिदों में पहली तरावी होगी और कल पहला रोजा 24 तारीख को पहला रोजा रहेगा। ऐसा उलमाओं ने भी सब बताया जो हमारे मदरसे हैं, दारुल उलूम हैं, दिल्ली से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर जिले तक, सभी उलमाओं के भी कल लेटर मोबाइल व्हाट्सएप पे जारी हो गए थे, हमारे पास भी आए चूँकि सदर होने के नाते। तो आज से रमज़ान का पाक महीना शुरू, आज इशा की नमाज के बाद पहली तरावी होगी और कल 24 तारीख को पहला रोज़ा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस पाक महीने में हमारे हिंदुस्तान में अमन, सुकून, चैन बना रहे, सब भाईचारा बना रहे, यही इस पाक महीने में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। पाक महीना आज से शुरू होना जा रहा है। एक बार मैं पुनः मेरी पूरी समाज, पूरी आवाम, पूरी कसरावत के हिंदू मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा इस महीने में कि मेरे गांव कसरावत में, मेरे मुल्क में अमन, सुकून, चैन, शांति बनी रहे, यही ईश्वर अल्लाह से मेरी कामना है। कसरावत तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।